हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जाली और वो गुंबद वो सीना देख लेता हूँ, तसव्वुर ही में जन्नत का नगीना देख लेता हूँ, मेरी दीवानगी भी आ गई अब ऐसी मंजिल में कि मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। मेरी दीवानगी भी आ गई अब ऐसी मंजिल में कि मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। हजरत, सर्दी इस कदर नहीं है कि आप जितना मुतासिर नजर आ रहे हैं उतनी सर्दी नहीं है। अब यह है कि मौसम सर्द में यह प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जिस अंदाज में आप हजरात पे सुकूत तारी है, जिस तरह से आप हजरात ठंड का एहसास लिए बैठे हैं, हमें नहीं लगता है कि इतनी ठंडी है। अरे ईमान वालों की शान तो यह होती है कि वो मिनल जिन्नते वन्नास नहीं हो सकता और कभी खल्बे खन्नास नहीं हो सकता। गर्मिये इश्के नबी जिसके भी हो दिल में तबीब, उसको कभी ठंड का एहसास नहीं हो सकता। गर्मिये इश्के नबी जिसके भी हो दिल में तबीब, उसको कभी ठंड का एहसास नहीं हो सकता। आप जरा इश्के नबी की गर्मी से अपने दिलो दिमाग को गर्माइए और एक मर्तबा जरा पूरा मजमा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब हमारे शोराए किराम मुतासिर नहीं है तो आप पे क्यों सर्दी गालिब आ रही है भाई? एक मुशायरे में हजरत एक हादसा हो गया था सूफी साहब की माजरत के साथ, चूंकि बड़े बुजुर्ग जहां मौजूद रहते हैं वहां बाजारी बातों से परहेज किया जाता है, लेकिन एक मुशायरे में एक शायर साहब, बहुत बड़े शायर का कलाम हो रहा था, बहुत बड़े शोहरत याफ्ता शायर का कलाम हो रहा था। भाई खामोश बैठ जाओ, बाबू खामोश बैठ जाओ। तो बहुत बड़े शायर साहब पढ़ रहे थे, उनके एक मिसरे में सख्ता आ गया कुतुबुद्दीन भाई, है ना, उनके एक मिसरे में सख्ता आ गया। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, याकूब उस्मानी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। तो शायरे इस्लाम साहब के मिसरे में सख्ता आ गया तो मजमे से कुछ चेमी गुइयां होने लगी कि भाई इतने बड़े शायर हैं और उसके बाद भी उनके मिसरे में सख्ता है, क्योंकि सर्दी थी। तो शायर साहब ने लोगों की बातें सुनकर जो कहा वो सुनिए। सख्ता था एक शायरे आजम के शेर में, ये सुन के कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। सख्ता था एक शायरे आजम के शेर में, ये देख करके मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। सख्ता था एक शायरे आजम के शेर में, ये देख करके मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। पूछा जो इसकी वजह तो कहने लगे जनाब, सर्दी बहुत शदीद थी मिसरा सुकुड़ गया। पूछा जो इसकी वजह तो कहने लगे जनाब, सर्दी बहुत शदीद थी मिसरा सिकुड़ गया, मिसरा सिकुड़ गया, है ना। तो अब कभी कभी ये बात आती है, आप हजरात अलग अलग जबान में होता है, अपने मादरी जबान में हमारे यहाँ पेश का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, हमारे अब्दुल कुद्दूस साहब मुन्ना भाई की जानिब से मोहब्बतों मोहब्बतें पेश कर रहे हैं। हमारे कासिम साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है, हम अपने कासिम साहब के इस दरिया दिली पे और सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में उन्होंने जो दीवानगी का सबूत पेश किया है, हम इसकी जितनी तारीफ करें कम है। इसलिए कि आपके इलाके में इतने बड़े बड़े लोग, और सबसे बड़ी बात है तो दौलत को हर किसी को मिल जाता है, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा सबके पास नहीं। हमारे कासिम हुसैन साहब ने अकेले अपने दम पर इतना बड़ा जलसा करके दिखाया है, और सुनने में आया मेरी मालूमात के मुताबिक कि हर साल वो अपने दम पे इसी तरह से प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। या अल्लाह, एक शायर ने कितना अच्छा कहा था कि कसम खुदा की अकीदत कभी ना कम होगी, नबी से इश्को मोहब्बत कभी ना कम होगी, जो राहे हक में लुटाते हैं मालो जर अपना, तो ऐसे लोगों की दौलत कभी ना कम होगी। जो राहे हक में लुटाते हैं मालो जर अपना, तो ऐसे लोगों की दौलत कभी ना कम होगी। बड़े अच्छे सलीके से बैठे हुए हैं, अगर आप हजरात जो खड़े हैं करीब आ जाते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि अभी आपको 12 बजे तक जलसा सुनना है, उसके बाद भी और भी प्रोग्रामात हैं, उससे भी आप हजरात को रूबरू होना है। इस वक्त चंद शेर के लिए
एक उभरता हुआ शायर बड़ी तेजी से अपनी आवाज, अपना कलाम, अपने लहजे के जरिए से सामईन की दिलों पे शोहरतों का सिक्का राज करने वाला और बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत में महव होकर कलाम मोहब्बत से सामईन के दिलों पे राज करने वाला मद्दाए रसूल मोहतरम जनाबे अनस रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो रेणुकूट से चलकर आए हैं और जमाते अहले सुन्नत के कद आवर आलिम दीन अल्लामा रियाजुद्दीन साहब किबला के शहजादे हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। नारों के जरिए से उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, जरा नारा जब ऐसा होगा तो फिर कलाम कैसा होगा। अरे नारे का तो जवाब कम से कम मोहब्बत से आप लोग दे दिया कीजिए। एक मर्तबा जरा हाथ उठा करके नारे का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर। अभी भी बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं उठा रहा, उठ रहा है। मैं अपने नाम पे नहीं, सरकार गौसे आजम के नाम पे हाथ उठवा रहा हूँ, इमाम अली मकाम के नाम पे हाथ उठवा रहा हूँ। वो इमाम अली मकाम, वो इमाम हुसैन, जिस इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर यजीदियों को ललकारते हुए कहा था, सर ले लो, धड़ ले लो, सब ले लो, मगर हाथ नहीं दे सकता। तो जरा इमाम अली मकाम के नाम पे हाथ तो उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जनाबे अनस रजा साहब अपना कलाम मोहब्बत पेश करने के लिए इस शेर के साथ माइक पे हाजिर आ रहे हैं कि दिल मुनव्वर कीजिए, रुख आईना कर लीजिए, उनके दर पे सर झुकाकर कद बड़ा कर लीजिए, नाद के अशआर भी भर देते हैं जख्मे हयात, इसमें शक है आपको तो तजर्बा कर लीजिए।